राज्य गठन के 24 साल बाद भी पलायन का दर्द कम नहीं हुआ है। पंचायतों की आबादी के हिसाब से किए परिसीमन से ये खुलासा हुआ है। प्रदेश में पिछले 5 सालों में बढ़ने के बजाय क्षेत्र पंचायतों की 5 सीटें कम हो गई हैं। राज्य में पंचायतों की आबादी के हिसाब से किए गए परिसीमन से ये तस्वीर सामने आई है। ये सभी सीट पर्वतीय जिलों की है। वहीं जिला पंचायतों की इन सालों में मात्र 2 सीट बढ़ी है, जिससे साफ है कि राज्य गठन के 24 साल बाद भी उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में पलायन का दर्द कम नहीं हुआ है। उत्तराखंड में गुरुवार की सुबह अचानक हुए साइबर हमले में सूबे का पूरा आईटी सिस्टम ठप हो गया। सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। सचिवालय समेत किसी भी दफ्तर में कामकाज नहीं हुआ। सीएम हेल्पलाइन से लेकर जमीनों की रजिस्ट्री तक का काम बंद हो गया। साइबर हमले की खबर जैसे ही सचिव आईटी नितेश झा, आईटीडीए निदेशक खंडेलवाल को मिली तो वो पूरी टीम के साथ आईटीडीए पहुंच गए। हमला इतना खतरनाक था कि सिक्योर इंटरनेट सर्विस यूके स्वान के अलावा सबसे अहम स्टेट डाटा सेंटर भी इसकी जद में आ गया। देखते ही देखते एक के बाद एक सरकारी वेबसाइटें बंद होती चली गईं। उत्तराखंड डीजीपी नियुक्ति को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अभिनव कुमार का नाम यूपीएससी पैनल में शामिल नहीं है। सचिव गृह शैलेश बगोली ने इसकी पुष्टि की है। अभिनव कुमार उत्तराखंड के कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर काम कर रहे हैं, जिसके चलते उम्मीद लगाई जा रही थी कि प्रदेश में स्थायी डीजीपी के तौर पर उन्हीं के नाम को तवज्जो दी जाएगी। खास बात यह है कि 30 सितंबर को दिल्ली में यूपीएससी ने डीपीसी की थी, जिसमें उत्तराखंड से भेजे गए सीनियर 7 आईपीएस के नामों में अभिनव कुमार का नाम भी शामिल था। धामी सरकार ने अभिनव कुमार को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी दी थी और इसीलिए वो सरकार की पहली पसंद भी बने थे, लेकिन यूपीएससी ने अभिनव कुमार के नाम को पैनल में रखने से इनकार कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा। चिलिया नौला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए करण महारा ने सरकार पर निशाना साधा। करण महारा ने कहा कि धीरे धीरे देश की संपत्तियों को निजी हाथों में दिया जा रहा है, जिसे उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। करण महारा ने कहा कि मोहान स्थित भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के नियंत्रित वाली IMPCL रानीखेत ऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री को निजी हाथों में दे दिया गया है। उद्यान निदेशालय चौबटिया को सरकार ने बदहाल बना दिया है। विवेकानंद अनुसंधान संस्थान मोड़ा की स्थिति भी ठीक नहीं है। लोगों की शिकायतों के बाद भी सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। करण महारा ने बीजेपी सरकार पर निरंकुशता, महिला अपराध, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ाने का आरोप लगाया। गुरुवार सुबह एयर अलायंस एयरवेज कंपनी का 42 सीटर विमान देहरादून से नैनीसैनी एयरपोर्ट पहुंचा। विमान ने नैनीसैनी हवाई पट्टी पर 3 बार सफल लैंडिंग और टेकऑफ किया। प्रशासन के अनुसार ट्रायल लैंडिंग सफल रही है। इससे पूर्व मार्च महीने में भी एयर अलायंस एयरवेज कंपनी के 42 सीटर विमान ने दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से नैनीसैनी हवाई पट्टी पर सफल लैंडिंग की थी। हवाई पट्टी पर सफलतापूर्वक लैंडिंग और टेकऑफ होने से दिल्ली के लिए नियमित विमान सेवा संचालित होने की उम्मीद है। इस समय पिथौरागढ़ से पंतनगर और देहरादून के लिए हवाई सेवा संचालित हो रही है। पिथौरागढ़ से सबसे ज्यादा लोग दिल्ली के लिए आवागमन करते हैं। पिछले लंबे समय से दिल्ली के लिए विमान सेवा शुरू करने की मांग उठ रही है। पिथौरागढ़ जनपद की अंडर 17 बालिका टीम ने पौड़ी में आयोजित उत्तराखंड स्टेट लेवल टूर्नामेंट में जीत हासिल की है। ये जीत न केवल पिथौरागढ़ जनपद के लिए गर्व की बात है, बल्कि ये क्षेत्र के युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। गुरुवार को टीम के 10 सदस्यों को डीडीहाट में ओपन जीप में ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। युवा मंडल दल हार्टथर्प के अध्यक्ष लवी कफलिया ने बताया कि डीडीहाट क्षेत्र का नाम रोशन करने वाली बालिकाएं खुशी, रश्मि, दिव्या, काजल, रवीना, आशा, मानसी, मेहंदी, सुनीता, लक्ष्मी, निकिता और गुंजन ने प्रतिभाग किया। ये टीम लगातार 2 बार स्टेट लेवल में जीत हासिल करने में सफल रही है। इस जीत के पीछे डीवीए टीम के किशोर शाह, विक्रम बिष्ट, भुवेंद्र भंडारी, बलवंत रावल और शैलू शाह की मेहनत और समर्थन है। वहीं टीम के कप्तान ने कहा, हमें अपनी जीत पर गर्व है, हमने कड़ी मेहनत की और हमारी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो ये थी आज की हमारी फटाफट न्यूज़। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल के 24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे Facebook और Insta पेज के 24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।